बस इतना कहना चाहती थी, ये शादी नहीं टूटेगी। सही कहा तुम, ये शादी नहीं टूटेगी किसी भी कीमत पर नहीं।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लीज जाने दीजिए, जीजू भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जीजू, अब किस हक से तुम मुझे उस नाम से बुला रही हो? वो रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था रिद्धिमा, जिस दिन तुमने मुझ पर रेप करने का इल्जाम लगाया था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा रिद्धिमा कि रेप करना किसे कहते हैं। जीजू, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? उस दिन तो तुम नहीं रोई थी, नहीं तुमने इतना शोर मचाया था। उस दिन तो तुम तब रोई थी जब तुम्हारे घर वाले वापस आ गए थे। प्लीज जीजू, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये पाप है जीजू, पाप। जब बात खुद पर आई है तो पाप और पुण्य का एहसास हो रहा है तुम्हें, शराफत याद आ रही है। और जब तुमने मुझ पर वो घिनौना इल्जाम लगाया था, मेरी शराफत पर कीचड़ उछाला था, वो पाप नहीं था। नहीं रिद्धिमा, आज तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैंने ही फोन करके आपको वहां बुलाया था, और मैं नहीं जानती आपके आपके जाने पर कॉफी गिराने के बहाने से आपका जैकेट उतरवाया था। ये सब मेरी साजिश थी। जीजू प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया जीजू, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सबके सामने आकर रही थी और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।
ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा रिद्धिमा, ऐसा ही करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा नहीं करूं तो तुम्हें खुद ये सच्चाई अपने घर वालों को बतानी होगी। और अगर कल तुमने सुबह 11 बजे तक ऐसा नहीं किया तो मैं खुद आकर ये टेप तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें करना पड़ेगा रिद्धिमा, तुम्हें करना पड़ेगा। और इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम अपनी गलती मान लोगी तो हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले इसे तुम्हारा प्रायश्चित मानकर तुम्हें माफ कर दें। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ना तुम्हारे बचने का कोई रास्ता होगा और ना ही तुम्हारे पास सफाई देने का कोई मौका। इसीलिए वही करो रिद्धिमा जो मैं कह रहा हूं, ना कुछ कहा ना कुछ बताया, ऊपर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं गुस्से में आकर कुछ गलत सलत न कर बैठे। भाभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भाई तो उसी स्पीड पे ड्राइव करके निकले थे जिस स्पीड पे शाहरुख खान ने बाजीगर में की थी। चुप करो, हर वक्त बकवास करती रहती है। यहाँ हम सबकी जान जा रही है और तुम्हें शाहरुख खान की पड़ी हुई है। हाँ भाभी बस मैं तो यूं ही। जस्ट शट अप, चुप रहो। दक्ष, दक्ष कहाँ चले गए थे इतनी रात को तुम? दक्ष तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए कितने परेशान हो जाते हैं हम लोग, और फिर वो तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। भाभी मैं अनुपमा के घर गया था रिद्धिमा को सबक सिखाने। उसके घर जाकर गुस्से में तुमने कुछ गलत सलत तो नहीं करा? डोंट वरी भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि रिद्धिमा को खुद उसी की चाल में फंसा दिया। चाल में फंसा दिया? हम कुछ समझे नहीं दक्ष। जिस रिद्धिमा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ना भैया, अब वही रिद्धिमा सबको सच बताकर उस इल्जाम को वापस लेगी। भैया मैंने रिद्धिमा को घर से उठा लिया। अब फिर उसके साथ मैंने बलात्कार का नाटक किया। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा नहीं करूं तो तुम्हें खुद ये सच्चाई अपने घर वालों को बतानी होगी। अब वही रिद्धिमा सबको सच बताकर उस इल्जाम को वापस लेगी। अगर वो कल 11 बजे तक विक्रम अंकल को सब कुछ बता देगी तो ठीक है, ये तो मैं सीडी उनके हवाले कर दूंगा। वाह भैया, मतलब जो मैंने डिजाइनर ड्रेस आपकी शादी के लिए बनवाई थी वो मैं पहन सकती हूँ? गुड, अब भी आपकी शादी अनुपमा से हो सकती है? वो हो सकती है नहीं, ये शादी तो अब होकर ही है। कल का सूरज सारी बाजी पलट कर रख देगा। आप रिद्धिमा से पूछ लीजिए एक बार,
वो भी खाना कि इस घर के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं। हार दे माँ, ये सब सिर्फ एक नाटक था, ठीक वैसा ही नाटक जैसा तुमने मेरे साथ किया था। तुमने वो नाटक मुझे फंसाने के लिए किया था, मैंने ये नाटक अपने आप को बचाने के लिए किया है। पापा ने दक्ष की बात सुने बिना उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन लेकिन अगर दक्ष वापस आ गया और उसने पापा को सारी सच्चाई बता दी और अगर पापा ने उसकी बात मान ली तो? अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा नहीं करूं तो तुम्हें खुद ये सच्चाई अपने घर वालों को बतानी होगी, और अगर कल तुमने सुबह 11 बजे तक ऐसा नहीं किया तो मैं खुद आकर ये टेप तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं जाके सच पापा को? नहीं बताऊंगी तो दक्ष बता देगा। आई एम गॉन, नथिंग कैन सेव, नथिंग। बद्रिका का रिद्धिमा को बुला कर ले आइए, बोलिए नाश्ता लग गया है। अभी बुला के लाता हूँ। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पापा की तकलीफों को दूर कर सकूं। मैं उन्हें इस तरह तकलीफ में खुद से ही नजरें चुराते नहीं देख सकती। मेरी मदद कीजिए पापा, मेरी मदद कीजिए। रिद्धिमा बिटिया अपने कमरे में नहीं है। क्या रिद्धिमा अपने कमरे में नहीं है? अपने कमरे में नहीं है तो कहां गई वो? हाँ पापा, मैंने भी देख लिया, रिद्धिमा कहीं नहीं है। क्या, कहाँ कहाँ जा सकती हो? कहीं दक्ष की हरकत की वजह से उसने खुद को तो अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं उस दक्ष सिंघानिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, क्या रिद्धिमा, मेरी बच्ची ठीक तो है ना इंस्पेक्टर साहब? जी जी, बस हम अभी वहां पहुंचे। किसका फोन था, क्या कहता है रिद्धिमा? रिद्धिमा पुलिस स्टेशन में, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालत में नहीं देख सकती। नहीं बेटा, गलती हुई है मुझसे, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दक्ष को? मैंने उसके साथ क्या नहीं किया? उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया, यहां तक कि उसे धक्के मार मार कर मैंने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तो मीरा जी और धनंजय जी को भी,
मेरी अपनी बेटी ने मुझे एक साथ कितने लोगों का गुनहगार बना दिया।